हरे कृष्ण। लॉजिकल गीता की 43rd वीडियो में आपका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज के प्रश्न पर चर्चा करें। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। आज का हमारा प्रश्न है कि सुसाइड का क्या परिणाम है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कुछ मुझे भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं इस पे क्या बोलूं। क्या सुसाइड करने से कोई फायदा होता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, एवरीवन नोज इट। और फिर भी कुछ लोग डिप्रेशन में जाके ऐसा करते हैं, शायद उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचती, या वो ऐसा सोचते हैं कि कोई और ऑप्शन नहीं है। कुछ लोग शायद ऐसा सोचते होंगे कि सुसाइड करने के बाद वो किसी बहुत अच्छी दुनिया में चले जाएंगे जहाँ दुख नहीं होंगे, जहाँ बीमारियाँ नहीं होंगी, कष्ट नहीं होंगे, दुख देने वाली पत्नी नहीं होगी, पति नहीं होगा, या कुछ भी शायद उनके दिमाग में ऐसा आता होगा तो वो सुसाइड कर लेते होंगे। बट आई एम श्योर जिसने शास्त्र पढ़े हैं, गीता पढ़ी है, वो कभी सुसाइड के बारे में नहीं सोचेगा। वो हिम्मत रखेगा, क्योंकि कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोगों की इस तरह की आत्महत्या के बाद पॉलिटिक्स भी होने लगती है। बट किसी भी सिचुएशन में ऐसे लोग महान नहीं है। किसी भी सिचुएशन में हम ऐसे लोगों को सही नहीं ठहरा सकते जिन्होंने आत्महत्या कर ली, इस जीवन को खत्म कर दिया बजाय इस जीवन को परोपकार में यूज करने के। किसी दूसरे की मदद करने के लिए अगर जीवन का इस्तेमाल किया जाए तो वो इस जीवन की उच्च, मतलब ये कहूंगा कि बेस्ट यूटिलाइजेशन है। और सुसाइड करके उसको खत्म कर देना तो महान हो ही नहीं सकता, बेशक कोई उस पर कितनी भी पॉलिटिक्स करे, वो एक अलग बात है। अर्जुन जो उस समय का महानतम योद्धा था, किसी भी रीजन से जो कंपैशन उसके मन में जनरेट हुआ अपने फैमिली मेंबर्स को लेके जो उससे फाइट करने आए थे, उसके मन में वो कंपैशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने ऐसा सोचा कि वो मर जाए यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। नेचुरली अर्जुन उस समय यही सोच रहा था कि ये सब लोग मुझे मिलकर मार दें। सुसाइडल अटेम्प्ट थी वो उसकी। उसने अपना धनुष बाण रख दिया कि मैं अब इनसे फाइट नहीं करूंगा, ये मुझे मार दे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अर्जुन जैसे महान योद्धा के भी दिमाग में एक बार तो ये फीलिंग आ गई कि ऐसे मर जाना मेरे लिए बेस्ट होगा। तब भगवान ने कहा नहीं, ये बेस्ट नहीं है। जो सुसाइड करता है वो तो यही सोच के सुसाइड करता है ना कि भाई ये मेरे लिए बेस्ट है, जबकि वो बेस्ट नहीं होता। इस बारे में भगवान ने क्या कहा, दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में फिर भगवान ने बोलना शुरू किया। श्री भगवान वाच कुतै त्वा कश्मलम इदम्। कुतै, कहां से, ये कहां से आया? कश्मलम, मलम होता है ना गंदगी, मल, ये गंदगी तुम्हारे मन में कहां से आई? विष में समुपस्थितम, इस विषम समय में ये उपस्थित कहां से हुई? अनार्य, आर्य होता है जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, जो जीवन के वैल्यू को समझता है। भगवान ने उसको फिर अनार्य कह के पुकारा। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम, इससे तो जो है स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, उल्टा निच लोकों की प्राप्ति होगी। अकीर्ति करम अर्जुन, अकीर्ति, अपयश होगा। अर्जुन इतना महान योद्धा था, अगर वो सुसाइडल अटेम्प्ट करेगा इस तरह से, निहत्था मारा जाएगा, तो सब लोग यही मानेंगे ना कि वो कमजोर था, डर गया, है ना? यही बात इसको हम हिंदी में भी दोबारा से पढ़ सकते हैं। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। अब यहां तो इसमें श्लोक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने दूसरी जगह पढ़ा है कि इस तरह से जो लोग सुसाइड करते हैं उनको कई बार अगला बर्थ इजीली नहीं मिल पाता, उनका मन जो है वो एक तरह से विचलित रहता है, और ये जो भूत योनि, प्रेत योनि होती है, कई बार ये लोग उसमें पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनका मन मरते समय बिल्कुल भी शांत नहीं होता। वैसे तो ज्यादातर का नहीं होता, लेकिन इनका तो कुछ जरूरत से ज्यादा शांत होता है। तो अगर कर्म अच्छे ना किए हो तो कई बार अगला शरीर भी नहीं मिलता, भूत योनि में जाना पड़ता है। तो सुसाइड करना किसी भी सिचुएशन का हल नहीं है, सिचुएशन से फाइट करना ही हल है, और यही भगवद गीता सिखाती है, फाइट।
आज हम सब अर्जुन की स्थिति में हैं, हमारे चारों तरफ हमारे ही संबंधी, हमारे ही मित्र, हमारे रिश्तेदार, हमारे ही जानकार हमारे पीछे पड़े हैं। आमतौर पर यही होता है। मैं एक गलत उदाहरण इसमें कोट नहीं करना चाहता, लेकिन आप ये देखिए कि जितना भी बच्चियों के साथ गलत काम होता है, अगर आप न्यूज़पेपर में देखें तो ज़्यादातर वो जानकारों के साथ होता है। यानी 80% रेशो जो गलत काम होते हैं बच्चियों के साथ, वो उनके जानकार करते हैं। सिर्फ 20% केसेस में अजनबी होते हैं। तो ये जानकारों से भी संभल के रहना है। आजकल कुछ पता नहीं चलता ना, कलयुग चल रहा है। तो भगवान यही प्रेरणा देते हैं आगे चल के गीता में उसको, कि फाइट फाइट फॉर योर राइट, फाइट फॉर योर लाइफ, अपने यश के लिए, अपने अधिकार के लिए, बट गुरु की आज्ञा से, माता पिता की आज्ञा से फाइट करनी है, अपने मन से नहीं। जो अपने मन से फाइट कर रहा है वो भी सही नहीं है। कितनी फाइट करनी है, किससे फाइट करनी है, कब फाइट करनी है, ये निर्णय माता पिता को लेने दें, अपने सीनियर को लेने दें, साधु को लेने दें, गुरु को लेने दें, और उनकी आज्ञा हो तो फिर जोरदार फाइट करें। अपने जीवन में कभी भी हार ना माने। हरे कृष्ण।